न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राशि निगम। भोपाल के हमीदिया रोड पर राजूटी स्टॉल पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक को पुलिस ने थाने ले जाने की कोशिश की और उसी बीच दोनों के बीच हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि हंगामा और पुलिस से उलझने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। युवक की पहचान सौरभ ग्रोवर के रूप में हुई है, जिसके भाई ने कुछ समय पहले खुदकुशी की है। भाई की मौत होने के सदमे से सौरभ अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और आए दिन लोगों से अभद्र व्यवहार करता रहता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया है। कल रात्रि में 11:30 बजे राजूटी स्टॉल फतेहगढ़ के आसपास के दुकानदारों से एक व्यक्ति अभद्रता कर रहा था। स्थानीय जनता के द्वारा डायल नेट पर सूचना दी गई। इस सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी तलैया मौके पर स्वयं गए। जाकर के उसके, क्योंकि वो जनता के साथ अभद्रता कर रहा था, उसकी मानसिक दशा देखने से समझ में आ गई थी कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, मेंटली रिटार्टेड टाइप का लग रहा था, जिसको थाने में लेकर के तलैया पहुंचा गया। और किसी प्रकार की कोई उसके द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। वो वीडियो जो वायरल हुआ उसमें हाथ का एंगल जब उसको गाड़ी में बिठा रहे थे, क्योंकि मेंटली रिटार्टेड व्यक्ति है, उसको बिठाने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई। और थाने पर ला करके जब स्पष्ट हुआ कि इसका तो ऑलरेडी मनोचिकित्सक से ट्रीटमेंट चल रहा है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अत्यंत डिप्रेशन में है व्यक्ति है, और उसकी जो मानसिक स्थिति मनोदशा को देखते हुए घर वालों के सुपुर्द किया गया, तत्समय कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं किया गया। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।